खान इस वक्त कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही हैं। करीना के साथ साथ इस महामारी का शिकार हो चुकी हैं उनकी करीबी दोस्त एक्ट्रेस अमृता अरोड़ा, महीम कपूर और सीमा खान। लेकिन वही बात की जाए यहां पर एक्ट्रेस आलिया भट्ट के बारे में, तो आलिया भी बीते कई दिनों से मुश्किलों का सामना करती हुई देखी जा रही है। जहाँ दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही करीना कपूर अपनी गर्ल गैंग के साथ एक डिनर पार्टी ज्वाइन की थी और ये डिनर पार्टी रखी गई थी फिल्म मेकर करण जौहर के घर। करण जौहर ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, इस पार्टी का हिस्सा करीना कपूर अपनी गर्ल गैंग के साथ बनी, तो वहीं इस पार्टी में मौजूद रही आलिया भट्ट। ऐसे में देखा जाए तो आलिया भट्ट को लेकर बीएमसी कई अहम फैसले लेती हुई भी नजर आई है। एक बार फिर से आलिया भट्ट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। आखिरकार क्या खबर आई है अब आलिया भट्ट को लेकर, देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर करण जौहर ने बीते कुछ दिनों पहले ही अपने घर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। इस पार्टी का हिस्सा बनी थी कई मशहूर हस्तियां, बेबो करीना कपूर खान, एक्ट्रेस करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा, सोहेल खान की पत्नी सीमा खान और संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर भी इस डिनर पार्टी में शामिल हुई थी। लेकिन इस पार्टी का हिस्सा बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी बनी थी। देखा जाए तो अब इन सेलिब्रिटीज में से कुछ सेलिब्रिटीज कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट का बढ़ता हुआ कहर देखने को मिल रहा है और ऐसे में देश भर में सुरक्षा नियमों को सख्ती से पालन किया जाना शुरू हो चुका है। इसी बीच देखा जाए तो आलिया भट्ट कई बार मुश्किलों का सामना करती हुई नजर आई हैं। बता दें आपको, सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि अब आलिया भट्ट को बीएमसी ने राहत दे दी है। दरअसल कयास लगाए जा रहे थे कि बीएमसी आलिया के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकती है। आलिया पर आरोप लग रहे थे कि आलिया ने क्वारंटीन के नियमों को तोड़ा है, लेकिन अब सूत्रों का कहना है कि बीएमसी ने आलिया को बड़ी राहत दे दी है। बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक सामने आया है कि आलिया ने क्वारंटाइन का नियम नहीं तोड़ा है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि कोरोना नियमों का उल्लंघन आलिया भट्ट ने नहीं किया है। 5 दिन आइसोलेशन में रहने के बाद वह 6वें दिन नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट आने के साथ साथ उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि वह एक दिन के लिए मुंबई से बाहर सफ़र कर रही हैं। ऐसे में बता दें आपको, बीएमसी अधिकारी अब तक आलिया भट्ट को लेकर जैसे भी कार्रवाई करने की मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। दरअसल बता दें आपको, आलिया भट्ट ने जहां एक तरफ कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट भी, दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद आलिया ने भी अपना कोविड टेस्ट कराया। वहीं आलिया भट्ट अब अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन भी को लेकर काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है। कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आलिया दिल्ली में एक इवेंट ज्वाइन करती हुई नजर आई, जब फिल्म ब्रह्मास्त्र के मोशन पोस्टर की लॉन्च रिपीट जब फिल्म ब्रह्मास्त्र के मोशन पोस्टर लॉन्चिंग का इवेंट रखा गया और ऐसे में आलिया भट्ट इस इवेंट को ज्वाइन करने के बाद मुंबई वापस लौट आई और इस बीच आलिया भट्ट पर कई गंभीर आरोप लगते हुए नजर आए। बीएमसी ने आलिया भट्ट के घर के आसपास के इलाकों को सैनिटाइज किया है, तो वहीं आलिया के घर को भी, लेकिन आलिया को अब इस मामले में राहत मिल चुकी है। फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से आलिया को अब इस मामले में राहत मिल चुकी है। आलिया भट्ट जहां एक तरफ इस मुश्किल का सामना करती हुई नजर आई, लेकिन अब आलिया भट्ट अपने गर्ल गैंग के साथ, अपनी एक करीबी दोस्त के साथ भरपूर इंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं, पार्टी करती हुई देखी जा
जा रही हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़।